काबिल लानत करार दिया है और फरमाया कि ऐसी चीजें जब किसी कौम के अंदर आ जाती है तो वो कौम हलाक हो जाती है। इसमें जो तरीके अरबों के यहां राइज थे उनमें से जो चीजें आपने नापसंद की वो क्या है, अपने बालों में दूसरे बाल मिलाकर उनको ज्यादा लंबा और घना करने की कोशिश करना, अपने बालों में दूसरे बाल मिला के उनको लंबा करना, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को गोदना। गोदना क्या होता है कि वो स्किन के ऊपर परमानेंट निशान बन जाते हैं, फूल बूटे बनाना, जैसे फ्रंटियर में रवाज है या अफ्रीकन ममालिक में रवाज है कि औरतों के चेहरे के ऊपर मुस्तकिल किस्म की लकीरें और निशान और फूल और मालूम नहीं क्या कुछ बना हुआ होता है। फिर इसी तरह मस्नूई तिल बनाना, अरबों के यहां ये रवाज था कि कहीं पर काला सुरमा लगा के गाल पे या ठोड़ी पे या कहीं भी, ये हमारे यहां भी ये रवाज मौजूद है, खूबसूरत लगने के लिए या अट्रैक्टिव होते ना तिल अगर किसी मखसूस जगह पर हो, तो इससे भी रोका गया क्योंकि वो जिस्म का हिस्सा नहीं। फिर इसी तरह बाल उखाड़ कर भवों की खास वजह बनाना, भवों की शेप बनाना, दांतों को घिस घिस कर बारीक बनाना या दांतों के दरमियान मस्नूई खला पैदा करना, यानी दांत खुले करना खूबसूरत लगने के लिए, या जाफरान या वर्स वगैरह के मस्नूई उबटने मलकर चेहरे पर मस्नूई रंग पैदा करना। जाफरान जो पीला रंग होता है, यानी बिल्कुल एक मस्नूई और ही रंग नजर आ रहा है ना, लेकिन इसके अलावा बाकी चीजों की इजाजत। इसमें आप देखें कि कोई भी ऐसा काम करना कि जिससे एक धोखा हो, इंसान हो कुछ और बिल्कुल कुछ और नजर आए और दूसरा इंसान उसको असल समझने लगे, ये चीज तो मना है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे सुरमा लगा रहे हैं आप, तो सबको पता ये सुरमा है और आंख के अंदर जो कुछ वो नजर आ रहा है ना काला काला, और अगर थोड़ा बाहर भी निकाल लिए तो कोई हर्ज नहीं, तो वो सुरमा ही है। इसी तरह अगर आप लिपस्टिक लगा रहे हैं तो सबको पता कि ये होंठ का रंग नहीं है, ये ऊपर लाल रंग लगा हुआ है, तो इसमें जो भी देख रहा है वो खूबसूरत तो लग रहा है इंसान, लेकिन धोखे का अंदेशा नहीं है इसमें। वो जो उपटन मल के रंग पीला कर लेना या स्किन का कलर बदल देना जो है वो धोखे की कैफियत है, क्योंकि असल चीज बिल्कुल ही नीचे से छुप गई है। इसीलिए ऐसा नेचुरल मेकअप तो इजाजत है कि जिसमें इंसान जरा निखार पैदा कर ले, उसकी ओरिजिनल कुछ न कुछ चीज नजर आ रही, लेकिन वो कि जो बिल्कुल एक नई चीज बना के रख दे, जैसे हमारे यहां अमूमन ब्यूटी पार्लर्स पर जब दुल्हनें तैयार होती हैं तो असल ना खाल नजर आती है ना बाल नजर आता है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल एक नई मखलूक नजर आती, और जब शौहर उनको इस रूप में देखता है तो एक्सपेक्ट करता है कि बीवी ऐसी हो। तो इसलिए दुल्हनों को भी ऐसा सिंगार करने से रोका गया है कि जो बिल्कुल आर्टिफिशियल किस्म का है। कोई भी परमानेंट नक्श निगाह, जैसे वो गोदना और गुदवाना जिसको कहते हैं, या आर्टिफिशियल इतनी कलर कोटिंग कि असल स्किन का पता ही ना चले, या इसी तरह भवों की असल शेप को बदलकर कुछ से कुछ या सारी उतार के तो अपनी मर्जी से पेंसिल लगा के एक नई शेप देना, ये सब उसमें आ जाता है। हाँ, भवें मसलन यहां से दो जुड़ी हुई हैं, तो अब ये क्या है कि ये एक ओरिजिनल औरत की शक्ल नहीं होती, एक बीमारी आप कह सकते हैं, तो उसमें अगर इनको अलग कर लिया जाए तो वो फितरत पर लाना है, फितरत में तब्दीली नहीं है। फितरत में तब्दीली क्या है कि असल सारा कुछ उतार दिया आपने और अपनी मर्जी से लगाया, और ये जो दो जुड़े हुए हैं इनको अलग करना फितरत में तब्दीली नहीं, फितरत पर लाना है। तो ये एक उसूल के तौर पर समझ लें कि कोई भी ऐसी चीज जो फितरत पर लाने में मदद दे रही है, अगर वो कुछ चेंज का तकाजा कर रही है तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर वो अल्लाह की साख, जैसे फला युगैर नखल कल्ला में पीछे आप पड़ चुके हैं, अल्लाह की साख तो बदल रही है तो वो दुरुस्त नहीं। ये चीजें इसलिए रोकी गई कि ये इंसान की सेहत के लिए भी नुकसानदेह है। आप देखे ना, अपने बालों में दूसरे किसी मुर्दे के बाल वो काट के ले आए और लगा दिए आपने, तो वो एक हो सकता कि आपके और उसकी जो जिस्म की बीमारियां हैं या और चीजें हैं उनमें कुछ फर्क हो तो वो दूसरे के बालों से ट्रांसफर होकर आपके अंदर चले जाए, या सबसे बड़ी बात यह कि धोखा देना मना है कि कोई समझे कि ये इसके अपने बाल हैं और अपने हैं नहीं। तो ये सारी चीजें जो है जो धोखा देने में आए, फितरत को बदलने में आए, अल्लाह की साख बदलने में आए, वो चीजें दुरुस्त नहीं है। फिर इसी तरह जीनत का जो है जिक्र हुआ कि जिससे इंसान आराइश करता है अपनी, तो इसमें भी गुलूब से काम नहीं लेना चाहिए।
अब यहाँ से कोई ये ना समझे कि कुरान तो कहता है ब्यूटीफाई करो अपने आप को, लिहाजा जिस तरह चाहो करो, ये माना नहीं है इसका। क्योंकि ब्यूटिफिकेशन में भी अल्लाह ताला ने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ हुदूद मुकर्रर की हैं। मसलन हदीस में आता है, लअन अर्रसूल अलैहि सलातु वस्सलाम अलवाशिमता वलमुस्तौशिमता वलवाशिरता वलमुस्तौशिरता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है गोदने वाली पर, गुदवाने वाली पर, दांतों को नोकदार बनाने वाली पर और उस पर जो दांतों को नोकदार बनवाए। यानी ऐसा तरीका इख्तियार करना कि जो परमानेंट मेकअप की किस्में होती हैं, कि मसलन यानी टैटूज जिसको कहते हैं, तो टैटूज सिर्फ ब्लू कलर के नहीं या ब्लैक नहीं होते बल्कि अब मेकअप की गर्ज से भी इस्तेमाल हो रहे हैं, उससे भी मना किया गया है। यानी गोदना जो है वो इसमें शामिल होता है। और इसी तरह जो दूसरी चीज है दांतों को नोकदार बनवाना, ये उस दौर में लोग किया करते थे, घिसा घिसा के दांतों की शेप फर्क कर लेते थे। ब्रेसेस लगाना नहीं मुराद, वो तो उसमें तो ट्रीटमेंट भी होती है ना, लेकिन ऐसी ब्यूटिफिकेशन के जिससे खल्क में तब्दीली हो जाए। इसमें आप देखिए हदीस में वाज़ेह अल्फाज में आता है, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूबसूरती के लिए दांतों में दर्जे बनाने वाली, अपनी दांतों को अंदर से घिसा के बीच में फासला ज्यादा करना, उस पर लानत की है, जो दर हकीकत अल्लाह की बनाई हुई साख्त में रद्दबदल करती है। यानी कोई भी ऐसा मेकअप कि जिससे परमानेंट चेंज जिस्म के अंदर हो खूबसूरती की खातिर, वो मना किया गया है। इसमें आता है लअन अल्लाहुल मुतफल्लिजात लिल हुस्न, के हुस्न की खातिर दांतों के अंदर तब्दीली पैदा करना। इसी तरह लअन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नामिसता वल मुतनम्मिसता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाल नोचने वाली पर और उस पर जो किसी से खिदमत ले उस पर भी लानत की है। और इसमें भी एक तो वो बाल हैं जो बीमारी के तौर पर हैं, जैसे चिन पर या लिप्स वगैरह पर, तो वो नहीं, एक वो है कि जो आंखों की जो भवे वगैरह हैं उनको तराशने के लिए बनाए जाते हैं, वो शामिल है। नहीं, वैक्सीन नहीं आती क्योंकि वो अजियत का सबब है ना, जो बाल अजा में आते हैं कि औरत को मर्द बना दे, यानी बाजुओं पर या चेहरे पर ऐसे बाल कि जो औरत को औरत नहीं बल्कि मर्दों से मुशाबे कर दे, उनको उतारने की इजाजत है, उससे मना नहीं किया गया। बल्कि इसमें आप देखिए कि तबरानी की रिवायत है कि अबू इसहाक की बीवी जो नौजवान थी और खूबसूरती की शायक थी, हजरत आयशा की खिदमत में हाजिर हुई और पूछा कि औरत अपने शौहर के लिए अपने रुखसार के बाल, रुखसार कहते हैं ना चीक्स को, साफ कर सकती है। हजरत आयशा ने फरमाया अजियत को मुमकिन हद तक दूर करो, क्योंकि अजियत का बायस है, यानी औरत के मुंह पर बाल जो है वो मर्द के लिए अजियत का बायस है। तो ये किताबुल लिबास फतुल बारी में रिवायत आई है, तो इसकी इजाजत है। इसी तरह बालों में बाल जोड़ना जो है, जूड़ा बनाना या बालों को किसी भी तरह पैच करके उसमें लगा के खूबसूरत बनना जो है, वो भी मना है। हदीस में आता है, बुखारी की रिवायत है, अल्लाह ताला ने बाल जोड़ने वाली और जुड़वाने वाली औरत पर लानत फरमाई है। और इसमें आप देखिए कि इन सारी जो अहादीस है इनमें एक चीज मुश्तरक है, और वो क्या है, लानत का लफ्ज, यानी अल्लाह की रहमत से दूर है ऐसे लोग। एक और हदीस में आता है कि बनी इसराइल उस वक्त हलाक हुए जब उनकी औरतों ने ऐसे काम किए, यानी बनी इसराइल की हलाकत के पीछे भी उनकी औरतों की हद से ज्यादा जीनत में दिलचस्पी थी। फिर इसी तरह एक और हदीस है जिससे पता चलता है कि बालों के अंदर अगर कोई जैसे धागे के या ऊन के कोई पैचेस लगाए जाए तो मना नहीं है जीनत के लिए, जैसे चुटिया डालते हैं या मेहंदी या परांदा या वो जो क्लिप्स वगैरह डालते हैं या बीड्स डालते हैं, उससे मना नहीं किया गया क्योंकि वो पता चल रहा है कि कोई एक्स्ट्रा चीज है। और फिर इसी तरह यह है कि खिजाब लगाना जो है, यानी बालों को रंग लगाना, इसमें स्याह रंग से मना किया गया है, लेकिन जो नेचुरल कलर है जैसे मेहंदी है या कोई भी नेचुरल कलर है उसकी इजाजत है। बिल्कुल टोटली काला करना जो है वो मना है, मगर काले के अलावा और रंग जो है उनकी रुख्सत मिलती है। इसमें हम देखते हैं कि वाज़े तौर पर हुक्म है, अबू हुरैरा की रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यहूदो नसारा खिजाब नहीं लगाते, तुम उनके खिलाफ तर्ज अमल इख्तियार करो, यानी बाल सफेद रखना पसंदीदा नहीं, उनको रंगना ज्यादा पसंदीदा है। ठीक है, यानी बाज लोगों का ख्याल ये है कि कलर करना जो है या खिजाब लगाना जो है वो शायद तकवा के खिलाफ है,
तो इसके बरक्स आपने क्या फरमाया कि यहूद नसारा इसको नहीं पसंद करते, क्योंकि उनके यहाँ बुजुर्गी की अलामत क्या है कि अपने बाल वाइट कर लो, लेकिन आपने क्या फरमाया कि नहीं तुम रंगो। और इसमें हम देखते हैं कि हजरत अबू बकर और हजरत उमर खिजाब लगाते थे, लेकिन बाद सहाबा को पसंद नहीं था, जैसे तबई तौर पर जैसे हजरत अली है, उबैय इब्ने काब, हजरत अनस, इनको पसंद नहीं था, तो ये नहीं कहा गया कि तुम जरूर लगाओ, यानी ताकीद भी नहीं की कि क्यों। अगर कोई इसलिए नहीं कर रहा, यानी किसी और कौम की मुशाबहत में नहीं कर रहा, अपनी जाती दिलचस्पी की बिना पर उसको नहीं शौक लगाने का, तो उसके लिए रियायत है। ऐसा भी नहीं कि वो जरूर ही लगाए, लेकिन लगाना जो है उसमें ममानियत नहीं। हाँ, अब क्या लगाया जाए और क्या ना लगाया जाए, इसके ऊपर तवज्जो करने की जरूरत है। और इसमें खासतौर पर जो सही मुस्लिम में रिवायत आती है कि बालों का रंग बदल दो लेकिन स्याह खिजाब से परहेज करो, बिल्कुल ब्लैक नहीं लगाओ। इमाम जोहरी फरमाते हैं, जब तक हमारा चेहरा तरोताजा था हम स्याह खिजाब इस्तेमाल करते, लेकिन जब से चेहरे और दांतों में तगैयर आ गया हमने उसका इस्तेमाल छोड़ दिया। बिल्कुल ब्लैक से क्यों मना किया गया, क्योंकि ये भी एक तरह से धोखा देने वाली बात हो जाती है। आपने फरमाया, बेहतरीन चीज जिससे तुम सफेद बालों का रंग बदल सकते हो वो हिना और कतम है। कतम जो है ये यमन की एक बूटी होती है जिसका रेडिश ब्लैक कलर होता है, स्याह माइल बसुर्ख होता है, और हिना का रंग तो सबको मालूम है। और हजरत उमर खालिस हिना लगाते थे, हजरत अबू बकर हिना और कतम मिला के लगाते थे।